नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.5 इसका प्रश्न नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। इस प्रश्न से ऊपर हमें जो डायरेक्शन दी गई है वो है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो इन्हें हमें सरल रूप में बदलना है और इन समीकरणों को हल करना है। और बच्चों आप जानते हैं समीकरण को हल करने का मतलब है इसमें जो भी चर है उसका मान निकालना, उसकी वैल्यू निकालना। चर का मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड टी जो भी है। अब इस रकम में इस समीकरण में हमें जो चर है वो दी हुई है टी, इसका मतलब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, टी का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये ब्रैकेट है, इसके साथ ये नंबर गुना हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। इसी प्रकार से ये नंबर इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो आइए देखते हैं। तीन गुना टी ये हो जाएगा तीन टी के बराबर, माइनस का निशान तो माइनस, तीन गुना तीन होता है तीन तिया नौ बराबर। यहाँ पर भी ये पाँच पहले दो टी से गुना होगा, पाँच गुना दो टी दस टी, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, पाँच गुना एक हो जाएगा पाँच। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टी वाली रकम एक तरफ ले जाएंगे बिना टी वाली दूसरी तरफ। यह है थ्री टी, यह है दस टी, लेकिन उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस दस टी। क्यों बेटा? क्योंकि बराबर के निशान को जब यह क्रॉस करेगा तो इसका साइन चेंज होता है। यहाँ दस है, दस के साथ कोई साइन नहीं है यानी प्लस का साइन है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। बराबर का निशान, ये पाँच यहाँ पहले से है, ये है माइनस नौ, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस नौ है उधर जाके हो जाएगा प्लस नौ। अगले स्टेप में देखें, थ्री टी माइनस टेन टी प्लस माइनस माइनस, दस में से तीन माइनस किया सात टी, सात में बड़ी रकम का साइन, बड़ी रकम है दस, दस के साथ निशान है माइनस का, तो आ गया माइनस सात टी बराबर पाँच प्लस नौ होता है चौदह। अगले स्टेप में 14 यहाँ पहले से है, माइनस सात टी के साथ गुना हो रहा है, लेकिन जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। हम इसको उधर क्यों लेके गए, क्योंकि हमें टी का मान निकालना है, सात टी का नहीं निकालना है या माइनस सात टी का नहीं निकालना है, टी का मान निकालना था इसलिए टी को अकेला छोड़ा, माइनस सात उधर चला गया। अब आप ध्यान से देखें, ये सात है ये चौदह ही आपस में कट जाएगा, सात एकम सात, सात दूनी चौदह, और ये माइनस है माइनस, इसके साथ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, आगे आ गया दो। इसका अर्थ यह है कि जो हम इस प्रश्न में इसे समीकरण को हल करना था तो टी का जो हमारे पास मान आया है वो आया है माइनस दो, यही हमें इस प्रश्न में निकालना था, यही हमें इस प्रश्न में सरल रूप में बदलते हुए समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण का हल मतलब चर की वैल्यू निकालो, चर की वैल्यू आ गई है टी बराबर माइनस दो। तो ये प्रश्न यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। यदि ये अच्छे से समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।